भिलाई सेक्टर 8 में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात एक घर में आगजनी की घटना हुई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात माना जा रहा है। वहीं इस आगजनी में अनुमानित नुकसान लगभग 5 लाख रुपए का बताया गया है। भिलाई सेक्टर 8 सड़क 46 में के अनीता अपने दो बेटों निखिल और अक्षत के साथ निवास करती है। बीती रात खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। लगभग 3 बजे अनीता को घर में धुएं का गुबार दिखा। उठकर देखा तो घर में आग की लपटें उठ रही थी। इसी बीच उसने अपने दोनों बेटों को आवाज़ देकर उठाया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों को आवाज़ देकर जगाया और अपने भाई को फ़ोन किया, जिसके बाद सभी ने मिलकर धुएं के गुबार के बीच से बेहोश हो चुके दोनों पुत्रों को बाहर निकाला। फिलहाल दोनों पुत्र अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराए गए हैं। वहीं आगजनी की घटना को लेकर अनीता के भाई दुर्गा सिंह ने बताया कि लगभग 3 बजे आगजनी की बात पता चली। इसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं आगजनी की घटना में लगभग 5 लाख रुपए की अनुमानित नुकसान आका गया है। रात को लगभग 3 के आसपास मेरी बहन अनीता ने फ़ोन किया मुझे कि मेरे मकान जो 3B46 सेक्टर 8 में है कि भैया आग लग गई घर में और बहुत ज़बरदस्त आग लगी है। तो हम लोग तत्काल हम दोनों भाई अपनी अलग अलग गाड़ियों से भागे। पहले मेरा बड़ा भाई पहुंचा और उस दरमियान मैंने अपने घर से फायर ब्रिगेड को सूचना दी और थाने में उनका जो कंट्रोल रूम नंबर है मैंने उसको सूचना दी, पुलिस को भी जानकारी दी। और इस दौरान फिर उसके बाद तत्काल मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचने के बाद मैं देखा कि मोहल्ले वाले सब जमा हो गए थे और अपने अपने साधनों से पानी के द्वारा वो आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि कोई भी संभव नहीं लग रहा था। घर के अंदर जैसे ही लोग जा रहे थे तो वो धुआं के कारण और बच्चे चूंकि अंदर फंस गए थे, दोनों बच्चे सबसे लास्ट वाले रूम में सो रहे थे जहाँ से आग चालू हुई और बच्चे दोनों बेहोश हो गए थे। तो दोनों को खींच के जैसे तैसे मोहल्ले वालों ने बाहर निकाला और इस बीच में फायर ब्रिगेड पहुंची। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कहना चाहूँगा कि फायर ब्रिगेड पहुंचने में बहुत टाइम लग गया, लगभग 40-45 मिनट का टाइम लग गया। उस दरमियान आग बहुत ज़्यादा फैल गई थी, लगभग 70-80% पूरा घर जल गया है और उसमें AC है उनका जल गया, TV फ्रिज जो पीछे रखे हुए थे पूरे और जितने बेड में पूरे बेड जल गया था और जितने बर्तन किचन में आग पकड़ ली थी। सिर्फ सामने का रूम था जिसमें आज के द्वारा रूम पूरा घर काला पड़ गया है। बच्चों की क्या स्थिति है? बच्चे अभी वर्तमान में दोनों को सुबह हॉस्टल में C1 में और एक बच्चा बड़ा वाला A1 वार्ड में एडमिट है, 21 साल की उम्र है, छोटा वाला 12 साल का है, उसको C1 में रखे हैं बच्चे वाले। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए रॉबिन अमल ठाकुर की रिपोर्ट।